गौर से देखिए इनको। जब आदमी की ज़िंदगी में चिंता ना रहे, जब आदमी की पैसे की बहुत भूख ना हो, तो आदमी ऐसे ही झूले पर शांति और सुकून के पल गुजारता है। आज इन भाई के साथ हम लोग एक बायोलॉजिकल पार्क घूमने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी हरा भरा पार्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। संडे का दिन है तो बहुत सारे लोग छुट्टियाँ बिता रहे हैं। यहाँ पर हमारी सबसे पहली मुलाकात इन भाई साहब से हुई। आप देख सकते हैं ये एक विशेष प्रकार का बंदर है, जिनके शरीर पर गोल्डन कलर के हेयर हैं, जिनकी पूंछ काफ़ी लंबी है और मुंह पर एकदम काला कलर है। अकेले हैं बेचारे, मायूस से बैठे हैं। खैर, अब हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे गिद्ध भी थे। अब ये गिद्ध नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा थे, आपस में एक दूसरे के साथ हटखेलियाँ कर रहे थे, उड़ उड़ करके इधर उधर, कहीं पेड़ पर, कहीं किसी डाली पर, कहीं जाल के पास बैठ रहे थे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भाई साहब अपने पंख फैला करके एक डंठल पर बैठ गए। अब इनको देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये असली है, लेकिन एक्चुअली ये असली नहीं है, ये एक मानव निर्मित कृति है। इंसान के हाथों की जादूगरी ने इंसान को कहां तक पहुंचा दिया है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब इन सीढ़ियों को पकड़ करके हम लोग और अंदर गए और वहां पर हमें अनेक प्रकार के भालू देखने को मिले। आप देख सकते हैं ये भालू आपस में ग्रुप में एक दूसरे के साथ हटखेलियाँ कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे, जिसको देख करके हमें बहुत मज़ा आया। इन भालुओं के शरीर पर आगे की तरफ सफ़ेद रंग की धारियां थी और ये काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से आपस में इंजॉय कर रहे थे। मुझे भालू इस दुनिया के सबसे शांतिप्रिय जीवों में एक लगता है और ये होते भी हैं। आप इन्हें देख लीजिए, ये किसी सफल मूर्तिकार की रचना है और मुंह खोल करके कूड़े को अपने अंदर खाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक डस्टबिन है। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, हमारा रोमांच बढ़ता जा रहा था। हमें पता चला कि यहाँ पॉर्क्यूपाइन, लोरिस के अलावा लेपार्ड भी हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ गए। अब आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या मिले। हमें मिला कॉमन पाम साइवेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और यहाँ एक लकड़ी के कुंदे के अंदर बैठा हुआ है। एक्चुअली मैं भी पूरी तरीके से उसे बाहर नहीं निकलवा पाया, अनेक प्रयासों के बावजूद भी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। अब मैं दिखाता हूँ लियोपार्ड कैट, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। हमने काफ़ी देर बैठ करके लियोपार्ड कैट का इंतज़ार भी किया, लेकिन वो बाहर नहीं आई। फिर हम और चीज़ों को देखने लगे। यहीं पर एक जगह पहाड़ियों से बहुत ही शीतल जल बैम्बू के थ्रू नीचे आ रहा था, बहुत ही ठंडा, मज़ेदार और मीठा पानी। हमने पानी को बोतल में भरा और उसके साथ साथ हमने पानी को पिया भी। पानी बहुत ही साफ़ और स्वच्छ था तो अच्छा लगा। दोस्तों, घूमते घूमते देखते देखते पसीना निकल आया, काफ़ी बड़ा है और उतना ही ग्रीन भी, मज़ा आ रहा है। लेकिन जब हमें लेपर्ड नहीं दिखा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ तो देखा जाए जो हमारे लिए एक मेमोरी हो और यादगार रहे। अब हम पहुंच गए इन भैया से मिलने। ये एक्चुअली एक एलिगेटर है, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी पर किस तरीके से खांचे जैसे बने हुए हैं, पूंछ इसकी लंबी है। ये एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, जो कि पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है और इसकी चोंच बाहर की तरफ निकली हुई है। हम सभी लोग फेंसिंग के बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये अपनी जगह से हिलेगा या अपना मुंह खोलेगा और हम उस रोमांच को महसूस कर पाएंगे।
इतने में इसको एक चिड़िया दिखी और धीरे से इसने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाया। आप यहां पर वीडियो में ध्यान से देखें तो देख पाएंगे कि पहले इसने अपना मुंह ज़मीन पर रखा हुआ था, अभी इसने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठा लिया है। और यहां पर पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ये मछलियाँ ही एक्चुअली इसका खाना होती हैं। जब ये पानी में उतरता है तो इनको शिकार करने के लिए बहुत सारी बॉडी एक्टिविटी करता है, तो इनसे मिल करके बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों, जब भी मौका मिले ज़िंदगी में खोजबीन करते रहिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। अब हम लोग काफ़ी थक गए थे, थकने के बाद आदमी क्या करता है, आराम। मैंने भी वही किया। ऐसे हल्दी पलती मार के बैठ जाइए। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। जब भी मौका मिले दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर के साथ, परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए, और यही ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, आपको हमेशा जीवंत बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।